एरो इंडिया शो आज से येलहंका एयरपोर्ट स्टेशन बेंगलुरु में हो रहा है शुरू। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एरो इंडिया शो का करेंगे इफ्तिताह। इस साल शो का थीम है रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। तमाम सियासी जमातों ने त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात के लिए लगाई अपनी पूरी ताकत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अगरतला में करेंगे इंतखाबी रैली। वोटिंग 16 फरवरी को। पार्लियामेंट के बजट इजलास का पहला मरहला आज होगा खत्म। आईन दर्जे फहरिस्त कबाइल ऑर्डर पांचवा तरमीमी बिल 2022 पर राज्यसभा में होगी बहस। लोकसभा में मनसूखी और तरमीमी बिल 2022 पर बहस की है तजवीज। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश दूसरे दिन आज लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन तकरीब में करेंगी शिरकत। काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगी और गंगा आरती में भी करेंगी शिरकत। G20 के डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग आज से लखनऊ में होगी शुरू। वहीं G20 एग्रीकल्चर ग्रुप की मीटिंग भी इंदौर में होगी शुरू। ज़राअत से मुतालिक अहम मौज़ूआत पर होगी बातचीत। अक़्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने रूस यूक्रेन तनाज़े पर किया तशवीश का इजहार। कहा कि अमन के इम्कानात हो रहे हैं कम। संगीन आलमी असरात के बाइस तकलीफ से गुजर रहे हैं लोग। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने सनसनीखेज जीत के साथ किया आगाज। पाकिस्तान को 7 विकेटों से दी शिकस्त। नॉट आउट में सेंचुरी बनाने वाली जेमाइमा रोड्रिग्स को मुंतखब किया गया मैच की बेहतरीन खिलाड़ी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। एरो इंडिया शो आज से बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर शुरू होने वाला है। इस साल शो का ये 14वां एडिशन है। एरो इंडिया 2023 की थीम रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। शो का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। ये शो मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के विजन के मुताबिक देसी साजो सामान और टेक्नोलॉजी की नुमाइश करेगा। इस प्रोग्राम के जरिए मकामी MSME और स्टार्टअप्स का इंजमाम भी मुमकिन हो सकेगा जिसका ताल्लुक आलमी सप्लाई चेन से है। इस शराकतदारी के जरिए गैर मुल्की सरमायाकारी के अलावा मुश्तरका तरक्की और मुश्तरका पैदावार के लिए भी शराकतदारी को भी मदु किया जाएगा। एरो इंडिया 2023 में 80 से ज्यादा मुमालिक हिस्सा लेंगे। तकरीबन 30 मुमालिक के वुजरा और आलमी और भारतीय OEM के 65 CEOs भी एरो इंडिया 2023 में शिरकत करेंगे। एरो इंडिया 2023 नुमाइश में 800 से ज्यादा दिफाई कंपनियां हिस्सा लेंगी जिनमें तकरीबन 100 गैर मुल्की और 700 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। नुमाइश में शिरकत करने वाली भारतीय कंपनियों में MSME और स्टार्टअप्स शामिल हैं जो मुल्क की मखसूस टेक्नोलॉजीज की तरक्की, एरोस्पेस की तरक्की और दीगर दिफाई सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगी। आगे बढ़ते हैं जहां त्रिपुरा में इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर है। तमाम जमातें इंतखाबी मुहिम में अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म और सीनियर बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा के अगरतला में इंतखाबी रैली करेंगे और अब त्रिपुरा में इंतखाबी मुहिम में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। तमाम पार्टियां जोरों शोर से इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सनीचर को त्रिपुरा में 2 इंतखाबी रैलियों से खिताब किया और गोमती में रोड शो भी किया। त्रिपुरा में 60 असेंबली सीटों के लिए पोलिंग 16 फरवरी को होगी और आज बजट इजलास के पहले हिस्से का आखिरी दिन है। इस इजलास के दौरान सदर के खिताब पर बहस हुई है।
अगले हिस्से में मुख्तलिफ महकमों के जिमनी मुतालबात पर बहस होगी। आज की बात करें तो राज्यसभा में अर्जुन मुंडा द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर फिफ्थ अमेंडमेंट बिल को ऐवान में लाएंगे। ये बिल 9 दिसंबर 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। बिल छत्तीसगढ़ में नाफिज होने के सिलसिले में आइन दर्जे फहरिस्त कबाइल 1950 में तरमीम करता है। ये हुक्म रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में दर्जे फहरिस्त कबाइल माने जाने वाले दर्जे फहरिस्त कबाइल को दर्जा बंद करता है, जबकि लोकसभा में द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2022 को क्रेन रिजिजू ऐवान में लाएंगे। ये बिल यानी के मनसूखी और तरमीमी बिल 19 दिसंबर 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। ये 65 कवानीन को मंसूख करने की कोशिश करता है जो रिवाज में नहीं है या जिन्हें दीगर कवानीन के जरिए बेमानी बना दिया गया है। ये फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 में एक मामूली गलती को भी ठीक करता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने के उत्तर प्रदेश के दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। आज सदर जमहूरिया लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के 10वें कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगी। सदर पसमांदा कबायली ग्रुप के अरकान से भी मीटिंग करेंगी और इसके बाद सदर जमहूरिया वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगी और फिर गंगा आरती में शिरकत करेंगी। G20 एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग आज से 15 फरवरी तक मुल्क के साफ तरीन शहर इंदौर में होने जा रही है। इस 3 रोजा इजलास में G20 ममालिक से आने वाले नुमाइंदे ज़राअत के शोबे से मुतालिक अहम मौजूआत पर तबादला ख्याल करेंगे। मीटिंग के पहले ही दिन ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रई ज़खीरे और आबो हवा पर मबनी स्मार्ट एग्रीकल्चर के हुसूल के लिए अपनाए जाने वाले तरीक़ेकार पर अलग अलग सेशंस में बातचीत होगी। हवाबाजी के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और वजीर आला शिवराज सिंह चौहान इजलास के मकाम पर ज़राअत के शोबे से मुतालिक भारत की कामयाबियों इख्तरात और तकनीकों पर मबनी एक नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप के पहले इजलास के आखिरी दिन 4 अहम मौजूआत पर गौर किया जाएगा। इस इजलास में शिरकत के लिए न सिर्फ G20 ममालिक से बल्कि मधु ममालिक और कौमी और बैन अक्वामी ज़राई शोबे से मुतालिक तंजीमों के 98 मंदुबीन शिरकत करेंगे। इस अहम मीटिंग के दौरान गैर मुल्की मेहमानों को न सिर्फ मालवा के खानों और सकाफत से मुतारुफ कराया जाएगा बल्कि उन्हें इंदौर के रजवाड़ा महल और धार जिले के मशहूर सियाहती मकाम मांडू की सैर भी करवाई जाएगी। G20 के डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आज से लखनऊ में शुरू हो रही है। इस मीटिंग में कोविड की वबा के दौरान भारत की तरफ से तैयार करदा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे UPI, UIDAI, दीक्षा, कोविन, संजीवनी ई और दीगर एप्स पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में साइबर सिक्योरिटी के अहम मौजूदात बहस पर भी बहस होगी और इसके अलावा डिजिटल स्किल्स पर भी तवज्जो दी जाएगी। भारत इस शोबे में मुख्तलिफ मंजूबों पर काम कर रहा है। और अब बात अफवाहों पर लगाम लगाने की करते हैं। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम पर डीलरशिप और तकसीम के लिए फर्जी अप्रूवल लेटर जारी किया जा रहा है। PIB ने अपने फैक्ट चेक ट्विटर हैंडल से इस खबर की सच्चाई बताई है। PIB फैक्ट चेक के मुताबिक ये अप्रूवल लेटर पूरी तरह से फर्जी है। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इस तरह का लेटर जारी नहीं किया है और साथ ही सही जानकारी के लिए IOCL की वेबसाइट www.iocl.com पर जाकर इस सिलसिले में सही जानकारी हासिल करने की गुजारिश की गई है। और हम अपने नाजरीन से दरख्वास्त करते हैं कि अफवाहों से बचें और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही किसी भी खबर या वीडियो को कि उसकी सदाकत को जानें और गैर जरूरी वायरल होने वाले पैगामात से बचें। मुल्क के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ आज सुप्रीम कोर्ट के 2 नए जजों जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार को हलफ दिलाएंगे। दोनों ही जजों की तकरीरी का नोटिफिकेशन जुमे को जारी किया गया था। इसके साथ ही अब 9 माह के बाद सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की तादाद पूरी हो जाएगी और आज से सुप्रीम कोर्ट 34 जजों की पूरी तादाद के साथ काम करेगा। इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की तकरीरी की गई थी और इस तरह अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की तमाम आसामियां खत्म हो चुकी हैं।
बहरहाल इस साल मई और जुलाई के दरमियान सुप्रीम कोर्ट के 6 जज रिटायर भी हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की तकरीरी के लिए कॉलेजियम की तरफ से भेजे गए नामों को वाजे करने में मरकज की तरफ से मुबैना ताखीर के मामले पर 2 अर्जियों की समाअत करेगा। जस्टिस एस के कॉल की सरबराही वाली बेंच ने 3 फरवरी को इस मामले की समाअत करते हुए हाई कोर्ट के जजों के तबादले की सिफारिशात को मंजूर करने में ताखीर पर बरहमी का इजहार करते हुए इसे इंतहाई संगीन मसला करार दिया था। अटर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाया था कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की तरक्की देने के लिए कॉलेजियम की गुजारिश साल दिसंबर की सिफारिश को जल्द ही मंजूर कर लिया जाएगा और इसके बाद 6 फरवरी को 5 जजों जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस संजय कौल, जस्टिस पी वाई संजय कुमार, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्ला और जस्टिस मनोज मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे का हलफ दिलाया गया था। मुल्क में अच्छी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और इसी कड़ी में इतवार से मुल्क के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के पहले मरहले की शुरुआत हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 8 लेन वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस कंट्रोल्ड ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की दिल्ली डोसा लाल सूट सेक्शन का इफ्तिताह किया और इसके साथ ही पीएम ने 3 दीगर प्रोजेक्टों का भी संग बुनियाद रखा। राजस्थान में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क को बेहतरीन सड़क ढांचा तामीर की बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दोसा लालसोट सेक्शन का इफ्तिताह किया। 246 किलोमीटर लंबा यह सेक्शन 12,150 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है। मुल्क भर में हो रही कई आलमी सतह के एक्सप्रेसवे की तामीर की फहरिस्त में इसे मील का पत्थर माना जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर से मुल्क को कई शोबों में बहुत फायदा हो रहा है। दुनिया में ऐसे अनेक अध्ययन हैं जो बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाई गई राशि जमीन पर कई गुना ज्यादा असर दिखाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला निवेश उससे भी अधिक निवेश को आकर्षित करता है। बीते 9 वर्षों से केंद्र सरकार भी निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश कर रही है। 1,386 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बन जाने से दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी में 12% की कमी आएगी। इससे सफर का वक्त भी तकरीबन आधा ही रह जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाला यह एक्सप्रेसवे 93 पीएम गति शक्ति इक्तिसादी इदारों, 13 बंदरगाहों, 8 अहम हवाई अड्डों और 8 लॉजिस्टिक पार्कों के लिए भी मुफीद होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 247 किलोमीटर लंबे कौमी शाहराह प्रोजेक्टों का भी संगे बुनियाद रखा। इन पर 5,940 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर खुसूसी तवज्जो दी है। इस वर्ष के बजट में तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। ये 2014 की तुलना में 5 गुना अधिक है। इस निवेश का बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को होने वाला है। यहाँ के गांव, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को होने वाला है। सड़क, नकल व हमल और कौमी शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि मुल्क में आलमी सतह के एक्सप्रेसवे की तामीर हो रही है। उन्होंने कहा कि इस शोबे में काम और तेज किया जा रहा है। ये बैकवर्ड एरिया से जाने वाला और उस एरिया के लिए ग्रोथ इंजन बनने वाला हाईवे है और प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और विशेष रूप से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात जो बार बार उन्होंने हमारे सामने टारगेट रूप में रखी थी, हमारा ये विश्वास है और ये उद्दिष्ट है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2024 समाप्त होने के पहले हम हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तरक्की के रास्ते पर नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा मुल्क एक्सप्रेसवे की तामीर के रास्ते इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार को तेज कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के हाथों इफ्तिताह हुए एक्सप्रेसवे से आसपास के सभी इलाकों की तरक्की पर फैसला कुन और मुस्बत असर पड़ेगा। इस तरह मुल्क की इक्तिसादी तब्दीली में इसका अहम ताउन यकीनी बनेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, उर्दू खबरें। और बैन अलाक़वामी खबरों में अक़वामे मुत्तहिदा ने रूस यूक्रेन तनाज़े पर तशवीश का इजहार किया है। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने कहा कि मौजूदा तनाज़े की वजह से अमन के इम्कानात मादूम हो रहे हैं। 193 रुकनी अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब में इस साल के लिए अपनी तरजीहात पेश करते हुए उन्होंने कहा कि ये जंग के गहरे आलमी असरात के साथ साथ यूक्रेन के आवाम के लिए बड़ी तकलीफ का सबब बन रही है। फ्रांस में पेंशन इस्लाहात के लिए बनाए गए मंसूबे के खिलाफ लोगों का एहतजाज जारी है। हुकूमत की जानिब से रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तजवीज के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। नई पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा किया जाएगा, जिसमें रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 64 साल कर दी जाएगी। इस मंसूबे के खिलाफ गुज़िश्ता जनवरी से बड़े पैमाने पर मुजाहरे जारी हैं। पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बॉन में महंगाई के खिलाफ हजारों असातिज़ा ने मुल्क भर में मुजाहिरा किया है। पुर्तगाल में हालिया बरसों में यह सबसे बड़ा मुजाहिरा समझा जा रहा है। मुलाजमीन की तंजीमों ने दावा किया है कि मुजाहिरे में 1,00,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुर्तगाल में एक माह से भी कम अरसे में असातिज़ा और स्कूल के कारकुनों का यह तीसरा बड़ा मुजाहिरा है। पुर्तगाल मगरबी यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जहाँ की निफ्स आबादी की माहाना आमदनी 1,000 यूरो से कम है। मुजाहिरीन ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया है। अमेरिकी फौज ने अमेरिका और कनाडा की सरहद के करीब हुरून जेल पर एक उड़ती चीज को मार गिराया है। सदर जो बाइडेन ने मुबैना तौर पर मिशिगन के बलाई जजीरा नुमा और अमेरिका कनाडा की सरहद पर झील हुरून के ऊपर से गुजरते हुए मुश्तबा चीज को गिराने का हुक्म दिया। खबर रिसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ये शय किसी फौजी खतरे का बाइस नहीं हो सकती है या इसमें निगरानी की सलाहियत नहीं है, लेकिन मुमकिन तौर पर मुल्की फिजाई ट्रैफिक में मदाखलत कर सकती है। अमेरिकी हुकाम ने कहा है कि शुमाली अमेरिका की सिक्योरिटी फोर्सेस फिजाई खतरात के पेश नजर हाई अलर्ट पर हैं। दुनिया के कुछ मुमालिक कुदरती आफात की जद में हैं और एक तरफ तुर्की और शाम में जलजले ने बड़ी तबाही मचा रखी है, तो वहीं दूसरी जानिब न्यूजीलैंड भी तूफान से मुतासर है। समुद्री तूफान गैब्रियल न्यूजीलैंड के शुमाली जजीरे ऑकलैंड और आसपास के इलाकों में तेज हवाएं, शदीद बारिश और सैलाब लेकर आया है। कुछ सड़कें बंद हो गई हैं तो और हजारों घर में बिजली से महरूम हो गए हैं। इत्तला के मुताबिक 30,000 से ज्यादा घरानों को बिजली के बहरान का सामना है और इससे कबल ये तूफान दूर दराज जजीरे नोरफोक के करीब से गुजरा था। जजीरा नोरफोक ऑस्ट्रेलिया का एक इलाका है जहां तकरीबन 1,750 लोग रहते हैं। ऑकलैंड के बाशिंदों पर भी जोर दिया गया है कि वो जजीरा नोरफोक पर तूफान के असरात के पेश नजर सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहे। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी पर, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खी में 13 गवर्नरों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों का तकरर और ओहदों में फिर बदल की खबर को अखबार ने सुर्खी बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर मुकर्रर किए गए हैं। इसके आगे खबर ली गई है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले मरहले का इफ्तिताह हो गया है। मुल्क के सबसे जदीद एक्सप्रेसवे में से एक है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसका इफ्तिताह किया है। इसके बाद जो खबर इसमें शाया हुई है 16 सरकारी कॉलेजों को DU से मुलहक किया जाएगा। गवर्निंग बॉडी बनाने के लिए फोरम का मरकजी वजारत तालीम को मकतूब इरसाल कर दिया गया है। इसके अलावा जो खबरें हमने ली हैं रोजनामा इनकलाब से ली हैं, जहां दिल्ली के मेयर का इंतखाब अब 16 फरवरी को करने की कोशिश की जाएगी। वाज़ेह रहे कि दिल्ली के मेयर का इंतखाब काफी दिनों से ताखीर का शिकार हो रहा है। इसके अलावा जो खबर इसमें ली गई है वो आपको बता दें कि G20 का कि भारत सदारत कर रहा है और इसी हवाले से कई खबरें यहाँ पर आ रही हैं।
वहीं G20 सरबराही इजलास में शामिल मेहमानों का शाही अंदाज में इस्तकबाल किया जा रहा है और वो कई सकाफती मकामात का दौरा भी कर रहे हैं और उसी में ही इन मेहमानों ने ताजमहल का भी दौरा किया है और वो ताजमहल की खूबसूरती को देखकर दंग रह गए और उसकी खूबसूरती में खो गए। इसी तरह की खबर यहाँ पर शाया की गई है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खेल की खबरों की, जहां भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका में जारी आईसीसी खवातीन के T20 वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज किया है। भारतीय खवातीन ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले में 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत के लिए 150 रन का हदफ एक ओवर बाकी रहते ही हासिल कर लिया। हदफ का ताकुब करते हुए ओपनर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया और शेफाली वर्मा ने टीम इंडिया के लिए पहले विकेट के लिए 38 रन की शराकत दारी की। यास्तिका 17 रन बनाने के बाद आउट हुई जबकि शेफाली ने 33 रन बनाए। जमाइमा ने 38 गेंदों में तूफानी इनिंग्स खेलते हुए टीम इंडिया के लिए 53 रन बनाए। भारत की जानिब से विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने 20 गेंदों में 31 रन बनाए। भारत की तरफ से हासिल किया गया हदफ वर्ल्ड कप में किसी भी टीम के जरिए हासिल किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा हदफ है। इससे कबल पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर 149 रन बनाए। बिस्मा मारूफ ने 55 गेंदों में नॉट आउट 68 और आशिया नसीम ने 25 गेंदों पर नॉट आउट 43 रन बनाए। आगे बढ़ते हैं जहां खवातीन क्रिकेट के लिए आज का दिन तारीखी होने जा रहा है। पहली मर्तबा वुमेन्स प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी आज होने जा रही है। मुंबई में होने वाली नीलामी में 409 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इन 409 खिलाड़ियों में से 246 भारतीय और 163 गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं। वुमेन्स प्रीमियर लीग का पहला सीजन 4 से 26 मार्च तक मुंबई के ब्रेबोन और DY पाटिल स्टेडियम में होगा। हर टीम के पास 12 करोड़ रुपए की नीलामी रकम है और इस दौरान टीम अपनी टीम में कम से कम 15 और ज्यादा से ज्यादा 18 खिलाड़ी खरीद सकती है। कोई भी फ्रेंचाइज सिर्फ 7 गैर मुल्की खिलाड़ियों को ही खरीद सकती है। और आखिर में जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। नाज़रीन अब वक्त है आपसे रुख्सत होने का, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि मारूफ फिल्मी अदाकार विनोद मेहरा का आज यौम-ए-पैदाइश है। पेश है उन पर फिल्माए गए कुछ नगमे, आप उनका लुत्फ उठाइए और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। Oh, my God.
दुनिया दिखलाऊंगा। अच्छा वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है। ऐसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, कोई तो सिखा दे हमें प्यार का सलीका, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है।